Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, नमस्ते आदाब एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम टू testbook.com। तो वापस से हम लोग यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करने के लिए आए हैं कि एसएससी सीएचएसएल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 100 यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं और यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम कितना तैयार है अपने जीए के एग्जाम के लिए। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके, जहां पर भी तुम जुड़े हुए हो, जो पढ़ने वाले लोग हैं। अपने ये नहीं कि फेसबुक के स्टेटस पे लगा लिया, वहां पर अगर आपके पढ़ने वाले लोग हैं जो अपने आप को आपके साथ चेक करना चाहते हैं कि आपसे वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है या आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन धड़ाधड़ स्पीड में करने वाले हैं, बुलेट स्पीड में हम लोग यहाँ पर जाएंगे। गाइस जल्दी से फटाफट से बताइए, सभी को ऑडियो वीडियो प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रही है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें हम लोग साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, सबका एक पूरा का पूरा जैसे एसएससी का कॉकटेल आता है वो आपको यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि इसमें से ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है। ब्यूटेन जो कि हमारे एलपीजी का एक बहुत बड़ा सब्सटेंस होता है। एलपीजी मतलब जो आपके घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसका इस्तेमाल आप लोग घरों में खाना बनाने के लिए करते हो। लाइटर में इसका इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है, जो सिगरेट के लाइटर्स होते हैं यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो ब्यूट का मतलब ही होता है चार कार्बन, जब होते हैं तो उसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार कार्बन है, मतलब ये क्या है, ये हमारा ब्यूट इन दोनों में होना चाहिए। और एन तब होता है जब यहाँ पर हमारे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो सी का डबल 8 और प्लस 2 C4H10, दैट वाज द राइट आंसर। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग एलपीजी में देखते हैं, सिगरेट लाइटर्स में देखते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे जो एलपीजी सिलेंडर होती है उसमें जो दुर्गंध आती है वो आती है मेथिल मरकैप्टन की वजह से। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं और ये अक्टूबर 2020 का, तो करंट अफेयर्स कितने महीने के आने वाले हैं, तो 6 महीने के तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको करना ही है, लेकिन एक साल का अगर करके जाओगे तो सेफर साइड पे रहोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में कौन हमारे देश के सीआईसी, दैट वाज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हुए, दैट वाज द दिनेश भाटिया, यशवर्धन कुमार सिन्हा, किरण दान देवाल, दैट वाज द अनुमुला गीतेश शर्मा या हमारे जयदीप मजेमदार। तो गाइस जो लोग 10:30 बजे रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट से लेकर के हमने आपको अवार्ड्स और जो भी हमारे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं वो मैंने करवाया था और आपको बताया था कि हमारे जो नए सीआईसी बने हुए हैं वो बने हुए यशवर्धन कुमार सिन्हा, जैसे कि यहाँ पर लोग अच्छे से पिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करो और यहाँ पर जल्दी से सभी लोग आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन हूबहु हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही आपको मिल जाए। आपको बताना है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। हमारे जो रिदम बनी हुई है, हमारे जो बनते हैं टाइड्स बनती हैं ओशियंस में, उनको क्या बोला जाता है, वेव, सुनामी, करंट्स या टाइड्स बोलते हैं। तो गाइस ये सबसे पहले हमारे बोल सकते हैं कि मून के ग्रेविटेशनल बोल सकते हैं मून और सन का जो ग्रेविटेशनल बोल सकते हैं कि इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी ये टाइड्स बनती है। गाइस याद रखिए क्या बनती है, टाइड्स बनती है, जो कि किसकी वजह से बन रही है, ओ क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है ना, जो टाइड्स बनती है वो किसकी वजह से बन रही है, तो वो बन रही है हमारे, बिल्कुल सही जवाब है कि हमारे जो है ज्वार और भाटा की वजह से जो आता है मून और सन के बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पावर की वजह से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, दैट वाज ऑप्शन नंबर 4। जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, 4 नंबर एकदम सही जवाब है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे एशिया होती है उसकी सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको कौन सी दिखाई देगी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, दैट वाज द हमारी कौन सी है, दैट वाज द कोलूरू झील, चिल्का लेक, डेबर झील या आसाम की चांदुबी डे, क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पर सही जवाब। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे जो इनमें से जो आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक को अगर आप पिक करोगे तो यहाँ पर मैन मेड जो लेक है वो कोलूरू लेक हमारी क्या है, ये हमारे आंध्र प्रदेश में जो हमारी गोदावरी नदी और हमारी कौन सी नदी, हमारी जो बोल सकते हैं कि हाँ कृष्णा रिवर है उसके वजह से बनता है, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है।
चिल्का लेक एक लगून लेक है, तो ये भी हमारी आर्टिफिशियल नहीं है। तो आसाम की हमारी जो चदुबी लेक है, ये भी हमारी जो है वो आर्टिफिशियल लेक नहीं है। ये सारी की सारी तीनों की तीनों जो थी, ये हमारी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये नेचुरल लेक है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक झीले है। और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे जो हमारी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है और ये मानव निर्मित है, तो अनिल ये कौन सी होनी चाहिए? दैट वॉज द डेवर लेक। जितने लोग बोल रहे हैं वो सही है, ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। इसको हम लोग जयसमंद लेक भी बोलते हैं और ये एशिया की हमारी दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित लेक है। और इसको बनवाया था महाराणा जय सिंह ने 1685 में। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा। तो दिमाग में आ रहा होगा सर कौन सी सबसे बड़ी है एशिया की मैन मेड लेक, फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है? तो वो उत्तर प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत लेक आती है। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत लेक, ये एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। और दूसरे नंबर पे हमारी राजसमंद डेबर लेक है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे लेक के बारे में हम सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी की है। अगर हम लोग देखेंगे लेक सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है जो यूएसए में है, ठीक है। अगर हम देखेंगे सबसे गहरी लेक कौन सी है, तो जिसके अंदर जाने से काल के मुंह में जा सकते हो, बैकाल लेक। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ऊंची लेक कौन सी है, तो टीटिका लेक इज द सबसे हाईएस्ट लेक। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मयूरभंज जो छाऊ डांस है, छाऊ डांस आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो मयूरभंज दे दिया है, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। दैट वाज इन उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक, क्या होना चाहिए गाइज यहां पे सही जवाब? मयूरभंज जो है वो आपको बताइए फटाफट से, ठीक है विवेक, सभी हमने आपको बता दिया। तो अगर देखेंगे मयूरभंज जो है छाऊ डांस आपको कहां पर देखने को मिलेगा फटाफट से, तो गाइज अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो सही जवाब क्या है? मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। तो उड़ीसा जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उड़ीसा कैपिटल सभी को पता है कि हमारी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है कौन सा? तो पटनायक, ठीक है, बीजू भाई पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ का जगन्नाथ टेम्पल सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। यहाँ का सूर्य मंदिर को भी यूनेस्को हेरिटेज में जगह दी गई है, जो कि कोणार्क में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following process is protecting zinc coating applied on the iron to prevent it from the rusting? अगर मुझे किसी चीज को रस्ट लगने से बचाना है तो मुझे किस क्या करना पड़ेगा? That was the galvanization, that was the annealing, that was the smelting या welding करना पड़ेगा। तो guys हम लोग जो है वो iron के ऊपर जो oxide लगती है, ठीक है, iron की जो oxides होती है उसकी वजह से क्या होता है, Fe2O3 बनता है, तो हमारे और XH2O, तो जंग बोलते हैं इसको, रस्टिंग हो गई। अब इसको छुटाना है तो आपको ऑक्सैलिक एसिड, जंग के जब दाग लग जाते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जंग धीरे धीरे से किसी भी हमारे मेटल की जो ताकत है उसको कम करती चली जाती है, उसको खत्म करती चली जाती है। और उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, गैल्वनाइजेशन या जस्तीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर एक जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड प्रोटोजोअल डिजीज, इनमें से किस डिजीज को हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज बोलते हैं, मतलब प्रोटोजोआ की वजह से जो फैलती है। तो गाइस देखिए, वायरस जनरेटेड डिजीज होती है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस होती है, और प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज होती है, और साथ ही साथ हमारी फंगल डिजीजेस होती है जो फंगस से फैलती है। यहां पर पूछा गया है कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, काला जर या एड्स। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, तो जो स्मॉल पॉक्स है, रेबीज और एड्स, ये तीनों के तीनों जो है ये हमारी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। और सबसे पहला जिसका वैक्सीन बनाया गया था वो स्मॉल पॉक्स है, एडवर्ड जेनर ने इसका वैक्सीन बनाया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने इसका वैक्सीन बनाया था, ये हमको याद रखना है। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी वही बोले जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेबीज, ये हमारे हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज वायरस की वजह से फैलता है। और एड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एचआईवी वायरस की वजह से फैलता है। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। जबकि हमारे कोसी नदी के किनारे एक मक्खी पाई जाती है जिसको हम लोग सैंड फ्लाई बोलते हैं, कोसी नदी जो कि बिहार में है, और उसके वो एक प्रोटोजोआ का कैरियर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेस्मानी डोडोमेनिया। लेस्मानी डोडोमेनिया जो है वो सैंड फ्लाई के द्वारा
जब ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है तो बहुत दिनों तक फीवर आता है और ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो गाइज आपको याद रखना है, प्रोटोजोआ से होने वाली और बीमारी मलेरिया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पायरिया के अलावा अगर हम लोग बात करें तो डिसेंट्री के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी आती है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये सभी के सभी हमारी किससे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, मलेरिया, पायरिया, डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो याद रखना है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। टिन का सिंपल क्या होता है गाइस, इजी क्वेश्चन आ गया। हम लोग सभी को पता है कि जो हमारा बोल सकते हैं कि अगर हमने कॉपर और टिन को मिला दिया तो बनता है ब्रॉन्ज, है ना, और ब्रॉन्ज इज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हम लोग जानते हैं कौन सी होती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन होती है। तो भाई इजी क्वेश्चन था, इसको देखते ही मार देना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा SN। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, दिस वाज द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिनों पहले जब आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में जो है वो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं और पूरे 2020-21 के अवार्ड मैंने आपको कराए, तो और मैंने उसमें यहां पर आपको क्वेश्चन कराया था कि हमारे यहां पर जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि हमारा कब से दिया जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको 1961 से इसको स्टार्ट किया गया और 1961 से ये हर साल दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इसको कौन सा परिवार देता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप देता है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा ये दिया जाता है और इसमें 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दैट वाज द, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2019 में 2020 में किन्हीं कारणों की वजह से ये नहीं दिया गया था और 2019 का जो अवार्ड है ये हमारे मलयालम कवि अक्षतम को दिया गया था। अक्षतम जो है वो ठीक है, तो ये हमारे मलयालम कवि जो है जी शंकर कुरूप अक्षतम को ये अवार्ड दिया गया था, जी शंकर स्वरूप ठीक है अक्षतम को ये अवार्ड दिया गया था 2019 में और ये कब से दिया जा रहा है तो गाइस 1961 11 लाख का नगद पुरस्कार और सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। तो गाइस यहाँ पे चार नंबर बिल्कुल सही है। आगे चलते, अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस दैट इट विल बी शट डाउन इट इंटरनल गेम डेवलपमेंट स्टूडियो that develop video games for its cloud-based game streaming services in Stadia, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने घोषणा की कि वह आंतरिक गेम डेवलपमेंट स्टूडियो को बंद कर देगा जो उसकी क्लाउड आधारित गेम स्ट्रीमिंग सेवा स्टूडियो को गेम वीडियो गेम विकसित करने के लिए करता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, दैट वॉज एप्पल, IBM, अल्फाबेट, विप्रो या माइक्रोसॉफ्ट। क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पे सही जवाब, किसने जो है अपने क्लाउड गेमिंग सर्विस जो है स्टीडिया को बंद करने का घोषणा किया है। तो गाइज ये हमारा कभी का क्वेश्चन है, तो ये हमारे फरवरी 2021 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है और ये हमारे करंट अफेयर्स एग्जाम में आपको दिखने वाले है। तो गाइज सबसे पहले तुम बात करें तो ये गूगल की ही एक कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी जिसका नाम अल्फाबेट है, उसने 2019 में स्टीडिया स्टार्ट की थी और उसको अब बंद करने की घोषणा की है फरवरी 2021 में। गाइज यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा अल्फाबेट इज अ राइट आंसर, जिनको नहीं पता है याद कर लो अल्फाबेट यहां पे सही जवाब है। आगे चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर हमने देखेंगे तो हमारे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीन तरीके की होती है। यहां पर पूछा गया मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, दैट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज, presence of domestic and foreign investment, a market system of resources allocation, commerce and trade in which free market coexist with the government intervention, ya presence of substance of commercial farming। to guys agar hum log yahan par dekhe to hamare yahan par mixed economy hai, hum sabhi ko pata hai ki hamare india mein kaisi economy hai, mixed economy hai, theek hai। हमारे यूएस जैसे कंट्रीज जो होते हैं वहां पर कैसी इकोनॉमी होती, कैपिटलिज्म होती है, जहां पर जो है कौन काम करता है वहां पर हमारे सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे कुछ ऐसे कंट्रीज जैसे कि कोरिया हो गया या हमारे जो है वो कुछ यूरोपियन कंट्री हो गए, वहां पर सारा का सारा काम गवर्नमेंट करती है, जिसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जब ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो है वो हमारे प्राइवेट कंपनीज एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि इंडिया में हमको देखने को मिलता है। अ मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड
in which free market coexist with the government intervenance. That was the right answer. मतलब यहाँ पर जनता को काफी ज्यादा confusion लग रहा होगा, तो तीन नंबर यहाँ पर सही जवाब है. थोड़ा सा अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तीन नंबर की तरफ हमको जाना पड़ेगा. आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. गाइस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछे जाने की जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं. आपको ज्यादातर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पर आपको गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा. दैट वॉज इन मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर. कहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस? तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दैट वाज इन त्रिपुरा. जितने लोग त्रिपुरा बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है. आगे चलते हैं. इन अक्टूबर 20 विच स्टेट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू प्रोवाइड 7% रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज. अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने जो हमारे बोल सकते हैं कि स्नातक हमारे जो स्कूल है वहां पर सरकारी स्कूलों में 77.5% आरक्षण देने का आदेश दिया है. मतलब अब स्कूलों में भी हमारे जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है वहां पर आरक्षण दिया जाएगा 7.5% उस पर्टिकुलर स्टेट के हमारे स्टूडेंट को. दैट वाज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब या राजस्थान. क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब यहाँ पे? मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के जो पढ़ करके आ रहे हैं उस स्टेट के उनको 7.5%. मतलब गवर्नमेंट स्कूल में लोग पढ़ना नहीं चाहते थे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना जरूरी होगा अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए. आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हो तो आपको इन मेडिकल का अगर तैयारी करना है और आपको आरक्षण चाहिए तो 7.5% आरक्षण मिलेगा आपको अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होगे. यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु. जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु इज अ राइट आंसर. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? दैट वॉज इन अगस्त 1942, अप्रैल 1919, अक्टूबर 1905 या फरवरी 1928. गाइस क्या होना चाहिए सही जवाब? हमारे देश में आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी हमारे बोल सकते हैं कि आंदोलन है उनसे किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो हमारे जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले तो याद रखेंगे बॉम्बे के अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई. ठीक है, हमारे बॉम्बे के अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई और बॉम्बे में अगस्त 8 अगस्त यहाँ पर अगर लिख देंगे तो 8 अगस्त 1942 से हमारे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालिया टैंक मैदान जो कि दादर में आपको देखने को मिलेगा, बंबई का है ग्वालिया टैंक मैदान वहां पर हमने इस आंदोलन को देखा. बॉम्बे के अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई और यहीं पर गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो नहीं तो मरो. करो या मरो का नारा दिया गया हमारा 8 अगस्त 1942 में. ठीक है, ग्वालिया टैंक के मैदान से ये बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई थी. बॉम्बे यहाँ पर लिख देते हैं, अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई. ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है. अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी. मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से मुक्त करता है? यहां पर आकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त होती है. दैट वाज ट्रेकिया, ब्रोंकाइज, एलिवेलीज या लैरिंग्स. ये सभी के सभी हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के हिस्से है और आपको यहां पर पूछा गया है कहां पर आकर के कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से लाई जाती है और यहां पर आकर के ब्लड छोड़ देता है और उसके बाद से इसको बाहर की तरफ निकाला जाता है. जनता बोले सर होना चाहिए. अगर हम अपने लंग्स देखेंगे, फेफड़े, ये फेफड़े के अंदर के भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे ब्लड क्या कर रहा है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है और फेफड़ों में डिस्चार्ज करता है और फेफड़ों में भी कहाँ पर, तो वो एलिवेलीज होते हैं जैसा कि तीन नंबर जनता बता रही है. एलिवेलीज एक एयर सैग होता है, एयर के गुब्बारे होते हैं जिसमें आकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ले करके जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायु कोष. और उसके बाद से ये ब्रोंकाइज के थ्रू, इसके अंदर जो छोटी छोटी नलकियां होती हैं उनको ब्रोंकाइज बोलते हैं, उसके थ्रू ये ट्रैकिया में जाता है और फिर इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं.
तो यहाँ पर जितने लोग वायु कोष बोल रहे हैं एकदम सही जवाब दे रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस वर्ष में हड़प्पा संस्कृति की खोज की दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी? गाइस जल्दी से बताइए, दयाराम साहनी ने। और ये हड़प्पा जो शहर है वहां पर इसकी खोज की गई, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे सही जवाब? उसके बाद से अलग अलग साइट रेगुलर इंटरवल्स पे खोजी जा रही है। तो गाइस यहाँ पर जो सही जवाब है क्या होना चाहिए सौरभ? यहाँ पे सही जवाब है 1921। जितने लोग बोल रहे हैं 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और ये हमारे कहाँ पर हड़प्पा में देखने को मिला था। और हड़प्पा जो है ये रवि नदी के किनारे है। और उसके बाद से गाइस क्रमशः हमारे मोहन जोदड़ो जगह खोजी गई दूसरे नंबर पे, और मोहन जोदड़ो जो है ये कब खोजी गई थी? तो 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो गाइस ये भी हमको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि अभी वो साइट कहाँ पे है, उससे कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट बात जैसे पाया गया था, और ये जो है ये हमारी सिंधु नदी के किनारे है मोहन जोदड़ो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे आपको बताना है, इन द टर्म ऑफ एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? गाइस ये क्वेश्चन मजेदार है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर, श्रीसैलम डैम जिसको बोलते हैं, नागार्जुन सागर, श्रीसैलम, गोदावरी आपका कृष्णा नदी के किनारे है, राजा जी टाइगर रिजर्व, पेच टाइगर रिजर्व, या नाम दफा टाइगर रिजर्व? जल्दी से गाइस बताइए, मेरे को नहीं पता, आपको बताना है। और ये नेशनल पार्क मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि बहुत ज्यादा संभावना होती है आपके पाए जाने की। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा जो हमारे पूरे इन सब में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा है, तो जनता बोल रही है सर होना चाहिए 2-3-1, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा है दैट वॉज द नागार्जुन सागर श्रीसैलम, जो आपको कहाँ पर, जो आपको कृष्णा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और ये हमारा कहाँ पर आप सभी को पता है, ये हमको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो हाँ, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? एक नंबर। भाई राजा जी हमारा अगर पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो यूके में, यूके का मतलब आपका उत्तराखंड में। पेंच अगर नेशनल पार्क की बात करें, पेंच अगर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क की बात करें तो ये एमपी में है गाइज। अगर हम लोग नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो चाइना को हमेशा बोलते दफा हो जाए यहां से, अरुणाचल प्रदेश में गाइज, अरुण का आंचल याद रखना है गाइज। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइगर स्टेट, सबसे जो टाइगर पाए जाते हैं 560 से भी ज्यादा टाइगर, वो हमारे एमपी में है टाइगर स्टेट। और दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, ठीक है। आगे और ही बहुत सारी बातें करने वाले, जुड़े रहिएगा, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे आपको। मुगल एम्पायर शाहजहां जो है उसने अपनी वाइफ की याद में ताजमहल बनवाया था, पता नहीं तुम बनवा पाओगे कि नहीं, लेकिन उनकी वाइफ का नाम क्या था? दैट वॉज द जहांआरा मुमताज महल, रोशन आरा, दैट वॉज नूर जहां। इजी क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग इसको सीखते चले आ रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो हम इसको जरूर ठोक देंगे। तो गाइस यहां पर जो सही जवाब है हमारे जो मुगल एम्पायर शाहजहां थे, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग आर्किटेक्ट बनाने के लिए जानते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो लाल किला, ठीक है, आरा जिला, खाड़देव किला, ये भी इन्होंने निर्माण कराया। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने नगीना मस्जिद का निर्माण कराया। तो बहुत सारी चीजों का निर्माण कराया इन्होंने, जो है वो तख्ते ताऊत का निर्माण कराया, तख्ते ताऊत, जिसमें इन्होंने कोहिनूर हीरा भी जड़वाया, कोहिनूर हीरा जड़वाया, ठीक है। और जिसको चुरा करके ले गया था नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में चुरा करके ले गया। तो भैया ये सारा का सारा मुगलों का पैसा जो है वो ये आर्किटेक्ट बनवाने में इस्तेमाल कर रहे थे, और इनमें से ज्यादातर को यूनेस्को हेरिटेज भी घोषित कर दिया गया। लेकिन ये जिसकी याद में उन्होंने बनवाया था गाइज, उनका नाम था महल, मुमताज महल। तो गाइज हमको ये याद रखना है, एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा सकता है। ताजमहल के जो आर्किटेक्ट है उनका नाम क्या था गाइज? तो उनका नाम था हमारे ताजमहल के आर्किटेक्ट का क्या, तो ईसा खां एंड अहमद लाहौरी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पार्टनर्ड विद द नीति आयोग टू लॉन्च द रिवैम्प्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से हमारे नीति आयोग ने किसके साथ महिला उद्यमिता मंच की भागीदारी शुरू की है, महिलाओं को क्या करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए किसने शुरू की है? स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जबोंग या अजियो? बताओ गाइस क्या होना चाहिए।
अरे पढ़ ले भाई। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सही जवाब है दैट वाज अ फ्लिपकार्ट। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी आपको बताना है 2020 में डिटेल लिटरेसी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। तो गाइज मैं पहले बता रहा हूँ, यही हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेबल यही रहेगा, यही से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो अगर आपने गलत कर दिया तो आप जो है वो थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी सी लेखिका और बहुत बड़ी सी समाज सेविका है। इन्होंने कई सारी जो है वो बुक लिखी हुई है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे इनकी बहुत सारी फिक्शन और पोएट्री बुक है, जिनका नाम है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को डिटेल लिटरेसी पीस प्राइज के नाम से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो मार्टिन एडवर्ड जितने लोग बोले गाइस देखिए ये कुछ नहीं है, जिन्होंने एक साल के अंदर मेहनत की हुई है, एक साल के अपने करंट अफेयर्स को एकदम स्ट्रांग बना के रखा हुआ है, उनको ही यहाँ पर नंबर मिलने वाला है, और उनको ही यहाँ पर उनके किए गए जो है वो चीजों का फल मिलेगा। तो मेहनत का ही फल मिलता है, जितनी कठिन परिश्रम होगा उतना मीठा मीठा सा फल होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है डबल पर्स फोन लिखने वाली इनकी जो पहली किताब थी, मैं आपको बता देता हूँ, डबल पर्स फोन जो कि 1961 में लिखी थी। डबल पर्स फोन ये बुक इन्होंने लिखी थी 1961 में, और यहाँ पर सही जवाब है मार्गरेट एटवुड। सही है ना गाइस, कर लोगे? ठाकुर साहब पढ़ लो, हम सब पढ़ रहे हैं, हम तुम्हारा चैट पढ़ेगी तुमको पढ़ाए। आगे चलते आगे हमारे पास है कि इन्फ्लेंट्री कंपाउंड इन द पेपर स्प्रे, काली मिर्च का पाउडर। कई लोगों को बोला जाता है कि भैया अपने साथ रखिए और अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है उसकी आंखों में फेंक दो, लड़कियों को बोला जाता है क्योंकि हमारे देश में ऐसे दरिंदे रहते हैं। तो गाइस काली मिर्च का जो पाउडर है उसमें कौन सा हमारा इन्फ्लेंट्री कंपाउंड होता है, दैट वॉज द करक्यूमिक, दैट वॉज द जिंजोरल अदरक जिसको बोलते हैं, दैट वॉज द क्यूएस्टेरिन या आपका कैपेसिनिन। क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे सही जवाब? हाँ, बुकर प्राइज मिला था एटवुड को फॉर द स्टेटमेंट, बिल्कुल सही अमोल, ऐसे ही मुझे चाहिए। अमोल का भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और वो लगा हुआ है अपनी तैयारी करने में, बहुत अच्छा। तो भैया हमारी जो है काली मिर्च, शिमला मिर्च या जितनी भी मिर्च होती है उसमें जो भड़काव, जो इन्फ्लेमेटरी मूवमेंट होता है जिसको खाने के बाद आग सी लग जाती है पेट में, वो होता है हमारा कौन सा? तो कैपेसिनिन। याद रखिएगा कैपेसिनिन इज द राइट आंसर, जो कि हमारे भीड़ को हटाना हो या आत्मरक्षा करना हो इसका प्रयोग किया जाता है। कई लोग इसको कुत्ते से और भालू के ऊपर अगर आप फेंक दोगे तो वो भी डर करके भाग जाएंगे। तो दैट वाज द कैपेसिनिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आजकल के लिए। तो कैपेसिनिन बहुत सही जवाब है। आगे चलते हैं, द गवर्नमेंट हैज अलाउड हाउ मेनी रुपीज फॉर द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप इन बजट 2021। गाइस बजट से अगर जिन्होंने नहीं किया हुआ है गाइस बजट करके चले जाना, अगर SSC CHSL का एग्जाम में नंबर लाना चाहते हो जरूर क्वेश्चन पूछेगा। मैंने भी हमें यहाँ पे अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, देखते हैं कितने लोगों को पता हुआ है कि स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने कितने फंड जो है वो घोषित किए हुए। यहाँ पर जनता क्या बोल रही है गाइज, अगर आप लोग शेयर कर दोगे एक बार अच्छे से तो जो हमने मेहनत की है वो मुझको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा जो फंड एलोकेशन है जो गवर्नमेंट ने किया है फॉर द स्टार्टअप वो है, बिल्कुल सही आंकड़ा आपको बताना है। योगिता ने बताया सर 830 होना चाहिए, तो भैया देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सर कंफ्यूज है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जो सही जवाब है दैट वाज 830 जो है करोड़ रुपए जो है वो एलोगेट किए हैं, और हमारे यहाँ पर जो इसको रेगुलेट करती है बॉडी उसका नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, ये भी हमको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जिसकी मदद से स्टार्टअप को वो बूस्टअप करना चाहती गवर्नमेंट। भैया याद कर लो बजट के ऊपर प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्लास के बाद, जिसने नहीं किया हुआ है, जो लोग गलत बोल रहे हैं उनको अगर सक्सेस होना है तो वो भैया यहाँ पर जरूर करके जाएंगे बजट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु बैग्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फरवरी 2021। और जो लोग यहाँ पर 10:30 बजे आते और उनका अगर गलत हो गया ना तो भैया मेरी जो है वो तलवार रखी हुई है। सनी बताओ क्या होना चाहिए, मैंने 2020 का भी बताया था आपको 10:30 बजे वाली क्लास में और आपको बताया था 2021 का भी, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। तो भैया मैंने बताया था कि लक्ष्मी बम मूवी देखे होंगे, लक्ष्मी बम मूवी के लिए मिला हुआ था किसको, अक्षय कुमार को। यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं अक्षय कुमार, जितने लोग बोलेंगे वो सही है, है ना। और इसके पहले 2020 में हमारे ऋतिक रोशन साहब को सुपर 30 के लिए मिला था, और अगर महिला की बात करेंगे तो अक्षय कुमार लक्ष्मी बम,
और अगर महिला की बात करेंगे तो छपाक मूवी के लिए मिला था दीपिका पादुकोण को, ठीक है, छपाक के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, यही प्रश्न पूछे वाले जाने वाले। अमिताभ बच्चन ने, योगिता बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट उनको बहुत पहले मिला था। लक्ष्मी बम के लिए अक्षय कुमार, और छपाक के लिए किसको मिला हुआ है, छपाक के लिए मिला हुआ है हमारी दीपिका पादुकोण को। भैया याद कर लो सारे के सारे क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनमें से केमिकल नेम आपको बताना है, चिली सॉल्ट पिटर किसको बोलते हैं, चिली सॉल्ट पिटर नाइट्रेट कौन सा, दैट वाज द KCl, KCl MgCl2, KAl2O3 या KNO3। गाइस क्या होना चाहिए सही जवाब? भाई 10:30 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा कि उसका असर हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा गाइस। तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे तो केमिकल फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रेट वर्ड उन्होंने दे दिया है, चिली सॉल्ट पिटर नाइट्रेट वर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे लिए बेसिकली पोटेशियम का एक अयस्क के रूप में भी काम करता है, जो हमको भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग KNO3 के नाम से बोलते हैं। दैट वाज द पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको साल्ट पिटर और नाइटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा KNO3, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट पिटर से दिया हुआ था, तो सॉल्ट पिटर KNO3। तो आपको यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर नाइट्रेट वर्ड उन्होंने दिया हुआ था, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, तो यहां से भी आप पिक कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। आगे चलते, आगे हमारे पास आता है तो यहां पर फिर से एक क्वेश्चन है, आई थिंक सो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लग रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड 500 मिलियन फॉर द स्ट्रेंथिंग द टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोग्राम, जिसको स्टार्स बोला गया। स्टार्स का फुल फॉर्म तो सबसे पहले पता होना चाहिए, स्ट्रेंथिंग द टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोग्राम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 स्टेट। कितने हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में क्या होता है ना, बहुत से लोग पढ़े भी होंगे तो वो जानते होंगे कि सरकारी स्कूलों में होता क्या है। तो हमारे यहाँ पर विदेशों, जब विदेशी लोग आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट हमारे हिंदुस्तान की वाकई में एजुकेशन सिस्टम खत्म होती चली जा रही है, उसको कैसे ऊपर लेकर के जाना है। उन्होंने 500 मिलियन हमको दिए और हमारे 6 स्टेट्स की जो है एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया। तो वो कौन सा है, दैट वाज द IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, NDB या हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। गाइस क्या होना चाहिए, तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारे तो सारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैटिक पॉइंट से इनके हेडक्वार्टर और इनके CEO के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके CEO के नाम जो भी यहाँ पर दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए तो एक बार जल्दी से हम लोग देखेंगे, तो हमारे देश के जो 6 राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, सबसे पहले कौन कौन से हैं वो 6 स्टेट, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे केरल, उसके बाद से MP, मध्य प्रदेश। एक एक चीज देखिएगा क्लास में, यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर देखेंगे महाराष्ट्र, और उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे राजस्थान और उड़ीसा, राजस्थान और उड़ीसा, ये 6 राज्यों को आगे ले जाने के लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया हमारे कितने, $500 बिलियन के साथ, वर्ल्ड बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, USA में, और इनके चेयरमैन का नाम है डेविड मालपास है। IMF का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। अगर हम लोग बात करें NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर खेला हुआ है, ये संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जबकि AIF, जिसके जिन लिक्विन चेयरमैन है, उसका हेडक्वार्टर हमें चाइना के बीजिंग शहर में देखने को मिलेगा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको याद रखनी है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा वर्ल्ड बैंक, जिसने ये स्कीम शुरू की। तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। सही है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना। यहीं पे देखो, आपकी आधी से ज्यादा लर्निंग में यहीं पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इंटरमॉडल स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI नियर द अंजनी रेलवे स्टेशन इन विच सिटी विल बी इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। किस शहर में अंजनी रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनवाया गया इंटरमॉडल रेलवे स्टेशन है, जो इकोलॉजी और पर्यावरण के अनुकूल होगा। दैट वाज अ मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद या कोची। गाइस करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको दिखने वाले हैं आपके एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैटिक GA भी दिखेगा। तो ये अंजनी स्टेशन जो कि इकोलॉजिकल है, इको फ्रेंडली है, और ये जो है वो हमारे NHAI ने बनाया है, और यहीं पर
यही के जो हमारे बोल सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो NHI के मिनिस्टर साहब भी हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी। तो गाइस बताइए क्या होना चाहिए, 1200 करोड़ के साथ इस रेलवे स्टेशन को बनाने का प्रोग्राम शुरू किया गया और इसके जैसे कई सारे स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये हमारा कहां पर है गाइस, तो यहां पर मैंने आपको हिंट दे दिया है और जनता ने इसको पकड़ भी लिया है। सर नागपुर होना चाहिए, नागपुर जितने लोग बोल रहे हैं उनकी नाक बिल्कुल ऊंची रहेगी। तो नितिन गडकरी साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या, इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इन, हमारे यहाँ पर पहला जो न्यूक्लियर डिवाइस है वो कहाँ पर जो है उसको छोड़ा गया था, दैट वाज श्रीहरिकोटा, कल्पक्कम, पोखरण या तारापुर। गाइस बताइए क्या होना चाहिए। तो भैया एक बार शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, मजा नहीं आ रहा है। यहां पर पहला परमाणु उपकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो परमाणु जितने भी परमाणु जो होते हैं उपकरण हम अगर देखेंगे वो सारे के सारे कहां पर छोड़े जाते हैं, तो गाइस वो है हमारा श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो है ये सबसे हमारा राज्य सॉरी हमारे जो है स्पेस प्रोग्राम जितने होते हैं वो श्रीहरिकोटा में होते हैं। स्पेस प्रोग्राम गाइस थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम होते हैं श्रीहरिकोटा में, लेकिन न्यूक्लियर डिवाइस प्रोग्राम जितने भी होंगे वो राजस्थान के पोखरण में होंगे, राजस्थान के पोखरण में होंगे। और हमारा जो ये प्रोग्राम था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा ये जो प्रोग्राम था 1974 में, गाइस एक एक चीज को बहुत ध्यान सुनना, 1974 में ये प्रोग्राम को चलाया गया था जिसको हमने पोखरण राजस्थान में देखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, कब इसको किया गया था 1974 में, और ये न्यूक्लियर जितना भी किया जाता है वो पोखरण में किया जाता है, और स्पेस प्रोग्राम कहां पर किया जाता है श्रीहरिकोटा में। तो गाइस ये हमको याद रखना है, यहां पर पोखरण राजस्थान सही होगा, स्माइलिंग बुद्धा इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपको बताना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, हमारे जो दो किडनीज होती हैं हमें सभी को पता है दो किडनीज होती हैं, यहां से जो हमारा यूरिन बनता है उसको हमारे ब्लैडर में कौन लेकर के जाता है, ये वाली जो हमारी नलिका होती है इसके बारे में पूछा गया है। दैट वॉज द स्पिंचर, यूरेथ्रा, दैट वॉज द यूरेटर या अरोटा। लेकिन कभी कभी हिंदी जो है वो हमारे लिए बड़ा जो है खतरनाक हो जाती है, हिंदी हमारे लिए खतरनाक भी जाती है और कभी कभी हमारी सहायता भी कर देती है। दैट वॉज द मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, महाधमनी या रंध्र संकोचन पेशी। अभी आप यहां पर क्या करोगे, मुझे लगता है कि दो में से एक की तरफ जाना आप चाहोगे, दैट वॉज द यूरेथ्रा और यूरेटर। तो गाइज अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो जनता बोले सर यूरेथ्रा और यूरेटर के बीच में कंफ्यूज है, यहां पर गाइज सही जवाब है यूरेटर, मूत्रवाहिनी, दैट वॉज द राइट आंसर। जो कि हमारा अगर देखेंगे ये हमारा इस तरीके से किडनीज है, आप भी देख लेते हैं ये नेफ्रॉन्स से मिलकर के बनी हुई है, नेफ्रॉन्स इसका बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन्स। अब यहां से जो किडनी में हमारा जा करके ब्लैडर में स्टोर होता है जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर। अब यहां से जो है हमारा जो रिलीज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन को रिलीज करवाता है उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। गाइस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनीज में नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। तो यूरेथ्रा ये है किडनीज से यूरेटर में कनेक्शन, और यूरेटर से जो रिलीज करता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। क्लियर हो गया ना गाइस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच, किसने जो है सबसे पहला बारकोड डेवलप किया, दैट वॉज द नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, दैट वॉज द जॉन बर्गर, दैट वॉज द डेविड बार्डले, जॉन मैकार्थी। क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे सही जवाब, बारकोड सबने देखा होगा जब भी आप जाते होगे कहीं पर मॉल में या किसी भी उसमें आप, तो वहां पर जो स्कैन करते हैं दैट वॉज द बारकोड रीडर के थ्रू। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो बारकोड जो है 1951 में हमारा डेवलप किया गया था, जिससे हम लोग उसकी तारीख, उसका रेट क्या सब कुछ पता कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर सही जवाब होना चाहिए नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नर्ड सिल्वर ने इसको बनाया था। तो यहां पर सिल्वर तो नहीं है, बर्नर्ड सिल्वर नहीं है, तो नॉर्मन जोसेफ की तरफ हम लोग जाएंगे, दैट वॉज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर है। तो गाइस ये तो मुझे लग रहा है कि साउथ इंडियन होना चाहिए, साउथ इंडियन कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु। तो भैया यहाँ पर तीन तो साउथ इंडियन नेम दिख रहे हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन आप लोग बता दो भाई क्या करेंगे। वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, अभी आप लोगों ने देखा था कि गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने देखा कि कहां पर थी, तो हमारे त्रिपुरा में थी, एक क्वेश्चन हमने आपको कराया, अब यहाँ पे वलनाडु पूछी हुई है। तो क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे सही जवाब, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो सही जवाब है
थुकुड्डी जिले जो कि हमारा थुकुड्डी जिला है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे अलग अलग जानवरों के लिए फेमस है, तो थुकुड्डी जिले जो कि आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, दैट वाज द राइट आंसर, है ना, सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे आरोग्य कुटीर को स्टार्ट किया, दैट वाज द आरोग्य वैन कुटीर जो है, एक आरोग्य वैन कुटीर जो थी वो इन्होंने शुरू किया, वो कहां पर शुरू किया था, दैट वाज महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान। आरोग्य वैन कुटीर मोदी जी ने कौन से स्टेट में शुरू किया हुआ है? तो यहां पर जनता बोल रही है सर मोदी जी जो है जहां पर उनकी गवर्नमेंट होगी वहीं पर ये शुरू करेंगे, तो यहां पर देखेंगे तो महाराष्ट्र में नहीं है, हरियाणा में हो सकता है, उड़ीसा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, गुजरात के तरफ जा सकते हैं। मोदी जी का जो विशेष ध्यान रहता है वो हमारे गुजरात के ऊपर रहता है। 21 अक्टूबर जिस दिन हम लोग मनाते हैं, 21 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, दैट वॉज द एकता दिवस, यूनिटी डे, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। और मोदी जी अपनी जो है वो यात्रा पे गए गुजरात की और उन्होंने वहां पर इसकी शुरुआत की थी। तो गाइज यहाँ पर आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर की शुरुआत की और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर एकता मॉल चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की भी शुरुआत की। एकता मॉल न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल न्यूट्रिशन पार्क बच्चों के लिए शुरू किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट फॉर द विच दे अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, विच इज द इनकरेक्ट पेयर, नोबेल प्राइज में कौन सा जो है वो इनकरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर है डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए नोबेल प्राइज मार्क्स और वैन लुई को मिला हुआ है, लाइट स्कैटरिंग के लिए सीवी रमन को मिला हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए गैलीलियो को मिला हुआ है या जीमेन इफेक्ट के लिए हेंड्रिक लॉजमैन को मिला हुआ है। गाइस यही क्वेश्चंस है जो आपको आगे लेकर के जाएंगे दूसरों से, भागना नहीं है, डरना नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को पहचानना है कि क्या हो रहा है दुनिया में और हम कहां पर लाई करते हैं। गाइस चलिए, तो यहाँ पर जनता बोले सर तीन नंबर होना चाहिए इनकरेक्ट जो है वो तीन नंबर लोगों को लग रहा है, अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे जो नोबेल प्राइज है ये 1901 से दिए जा रहे हैं। डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए मैक्स वॉन लुई को दिया गया, ये बिल्कुल सही है। लाइट के स्कैटरिंग के लिए रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, सीवी रमन। क्वांटम मैकेनिक्स यहां पर लिखा हुआ गैलीलियो को नहीं दिया गया था, ये हाइजेनबर्ग को अवार्ड दिया गया था, तो हाइजेनबर्ग की तरफ चले गए। जल्दी बताइए सभी को अभी ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रहा है क्या? जल्दी बताइए सभी को ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रहा है? वेट कर लो भाई, 2 मिनट वेट कर लिया करो, अभी सब लोग है ना, 2 मिनट जल्दी से क्या करोगे, रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो। अभिनव सर जुड़ गए हमारे साथ, रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो, जल्दी से रिफ्रेश कर लो। अभी तो क्लियर है, जल्दी बताओ भाई, क्लियर है? मजूली जहां पर लोग बोल रहे हैं, हो गया ना? तो वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला चल रहा है। तो गाइस यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो सही जवाब होगा गाइस वो कौन सा होगा, ये बंद कर दो। तो गाइस यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही जवाब होगा मजूली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आसाम में बना हुआ है, मजूली आइलैंड इज द राइट आंसर, सही है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, फरवरी 2020 में किस राज्य के स्वास्थ्य निगम ने नमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए नमोनिया का सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए अभियान सांस के लिए सामाजिक आपकी जागरूकता कराई? तो गाइस सबसे पहले सांस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये बच्चों के लिए निमोनिया के लिए अवेयर किया गया, दैट वाज सोशल अवेयरनेस एंड द एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द न्यूमेनिक, ठीक है, दैट वाज अ सांस सक्सेसफुली। तो ये आप अगर देखेंगे तो कहां पर ये चला गया था गाइस, तो जल्दी बताइए। यहां पर जनता बोले सर हम करंट अफेयर्स,
नहीं भैया नहीं, एकदम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम सारे होते रहेंगे। मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है कि लॉकडाउन दोबारा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश। जितने लोग एमपी बोल रहे हैं करंट अफेयर्स वो पढ़ रहे हैं, फरवरी 2021 की न्यूज है, हमको ये पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन 2021? हमारी इंटरनेशनल जो मदर लैंग्वेज डे है 2021 की, उसका थीम क्या? तो गाइस यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, स्टैटिक जीए के, करंट अफेयर्स के मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि हर बार हो रहा है हमारे एसएससी के एग्जाम में। तो हमको भैया भाई आसान आसान सी चीजें नहीं पढ़ के जानी है कि हमको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा और हम वही करके चले आएंगे जो सबका जो हम सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। 5-6 सालों से ट्रेंड चेंज हुआ है, करंट अफेयर्स स्टैटिक के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर्स डे। तो जब भी आपका एग्जाम हो, जैसे कि आपका एग्जाम अप्रैल में है, तो उसके हमारे 2 महीने पहले मतलब मार्च और फरवरी के सारे डेज आपको पता होने चाहिए और उसके थीम क्या थे। और सिमिलरली आपको 2 महीने बाद के मई और जून के पता होने चाहिए, क्योंकि यहीं से ज्यादातर पूछता है। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है और 21 फरवरी को ये इंटरनेशनल मदर डे मनाया जाता है। इसका थीम यहाँ पर जनता ने बताया कि सर 3 नंबर होना चाहिए, अमूल हो चाहे जो भी हमारे मंजू हो, पूजा सिसोदिया हो, 3 नंबर की तरफ जनता जा रही है। तो 3 नंबर जितने बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब है दैट वॉज द शिक्षा और समाज के समावेश में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, फॉस्टरिंग एंड मल्टी लिंगुइज्म फॉर द इंक्लूजन इन द एजुकेशन एंड सोसाइटी, दैट वॉज द राइट आंसर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राउत डांस जो है ये कौन से राज्य का फोक डांस है? राउत डांस की अगर हम लोग बात करें, ये कौन से डांस का फोक डांस है? चलने दो, कौन से डांस देश का है? दैट वॉज राजस्थान, बिहार, आसाम या छत्तीसगढ़, क्या होना चाहिए गाइस? राउत पूछा गया है। तुम्हारे उसमें फोटो खींचा हुआ है। तो गाइस यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये दिवाली के समय में ये किया जाने वाला फोक डांस है, जो कि हमारे कहां पर होता है, जहां की कैपिटल रायपुर है। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो सही जवाब है, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों देखा कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो है वो धोखे से नक्सलों ने कई सारे जवानों को वीरगति पहुंचा दिया। तो राउत डांस गाइस यहीं पर होता है, दैट वाज द राइट आंसर। जितने लोग बोल रहे छत्तीसगढ़, राउत इज राइट फॉर द छत्तीसगढ़। आगे चलते, दांची ग्राम नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दांची का मतलब होता है 10 और ग्राम का मतलब होता है गांव। 10 गांव को मिला करके ये नेशनल पार्क बनाया गया, दैट वॉज इन जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पे सही जवाब? तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब है, दांची ग्राम हो आपका जो नेशनल पार्क, ये आपके कहां पर देखने को मिलेगा? तो जहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराडाइज ऑफ अर्थ, जो कि हमारे 500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, दैट वॉज इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम लोग आसाम की बात करें तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हमारा जो है, हाँ बिल्कुल सही है, मानस देखने को मिलेगा, कांचीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कांचीरंगा, ठीक है, यहाँ पर एक सिंह वाले गैंडे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओरैंग नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरैंग नेशनल पार्क, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइस दांची ग्राम पूछा था, तो सही जवाब क्या था? तो हमारा था ऑप्शन नंबर ए, भाई नेशनल पार्क गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। अभी यहाँ पर पूछा गया इंटकी नेशनल पार्क कहाँ पर देखने को मिलेगा? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? गाइज पिछले हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, जैसे कि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं, चाहे वो फोक डांसेस हो, नेशनल पार्क हो, वहाँ के जो कल्चर हो, वहाँ के जो बोल सकते हैं कि फेमस पर्सनालिटीज हो, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछने को मिलता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए सही जवाब? तो इंटकी नेशनल पार्क हमारा नागालैंड में है और यहाँ पर सही जवाब है नागालैंड। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का, मैं आपको बता चुका हूँ, नामदफा नेशनल पार्क आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मणिपुर की बात करें तो यहां पर केबल नामजो नेशनल पार्क, जो कि हिंदुस्तान का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केजुल लामजो नेशनल पार्क, लामजो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। आसाम में मैं आपको बता चुका हूं मानस, कंजीरंगा, ये सारे नेशनल पार्क है। यहां पे सही जवाब था नागालैंड इंटकी नेशनल पार्क, एकमात्र हिंदुस्तान का नेशनल पार्क जो तैरता है, दैट वॉज द केजुल लामजो नेशनल पार्क, लोटक लेक के पास मणिपुर में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द अमेरिकन साइंटिस्ट दैट वाज द एडविन हबल्स नेम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज।
अबिल, हम लोग एडबिल हबिल का नाम जो वो किस थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट वॉज द पार्शियल कोहरेंस ऑफ द लाइट थ्योरी, दैट वॉज द लैटिस गॉज थ्योरी, दैट वॉज द बिग बैंग थ्योरी, या हमारा क्वांटम, दैट वॉज द क्रोमोडाइनमिक्स थ्योरी, क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब? हम लोगों ने देखा कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो जीए में ऐसे होते हैं जो कि हमारे गलत हो जाते हैं, लेकिन हम आज की क्लास 2 घंटे की और कल की 3 घंटे की क्लास जो संडे को आपके होने वाली है 10 बजे जरूर आप उसको देखेंगे तो आपके बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये हमारी रिलेटेड है हमारे जिससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। सबसे पहले उस थ्योरी को बोला गया बिग बैंग थ्योरी, और इसको बाद में जो बोल सकते हैं कि देने वाले थे जिनका नाम था प्रोफेसर लैम टरे, उन्होंने इसको पूरी तरीके से सर्टिफाइड कर दिया। तो ये जो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी थी, जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? क्वेश्चन का लेवल सही है कि नहीं? स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ लोगों के साथ जीए में क्या आ जाता है, क्या पढ़ के जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। कल आज 2 घंटे की क्लास 2 बजे तक और कल 3 घंटे की क्लास, लेकिन गाइस 10 बजे से है कल, मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो ये दोनों करके जाओगे और आपका एग्जाम है, जरूर आपको प्रॉफिट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपको बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वन द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स 1918 फॉर द एनर्जी क्वांटा। तो अब बताना है आपको एनर्जी क्वांटा के लिए, गाइज यहाँ पर क्वांटम थ्योरी नहीं है, दैट वॉज द एनर्जी क्वांटा, दैट वॉज द वर्नर हाइजेनबर्ग, लुइस दी बेग्री, जेम्स चैडविक, या हमारे मैक्स कार्ल अर्नेस्ट एंड प्लांक। तो भाई इस क्वांटम थ्योरी के लिए अलग था 1932 में, और ये 1918 का एनर्जी क्वांटा वाला सिद्धांत है। इसमें ये बताया गया था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल के रूप में चलता है, जिनको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। तो गाइस प्लांक सभी लोग जानते हैं, गाइस यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लांक की थ्योरी थी, 1918 में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज के, ये हमारे बोल सकते हैं कि क्वांटा के ऊपर हमको टिक करना है, क्वांटम थ्योरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसून वर्ड जो है ये कैसा वर्ड है, हमारे यहाँ की जो बोल सकते हैं कि क्लाइमेट है, अगर हमसे पूछा है क्लाइमेट कैसा है तो हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। हमारा जो क्लाइमेट है कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, पहले तो हमको ये याद रखना है हमारे हिंदुस्तान का। लेकिन ये कैसा वर्ड है, तो गाइज ये कैसा वर्ड है, हाँ बिल्कुल सही है, 4 नंबर यहाँ पर अरेबिक वर्ड है, कैसा वर्ड है, अरेबिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट वाज 16 सितंबर, 21 अक्टूबर, 9 अगस्त या 2 अक्टूबर, देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब पता। तो राजहंस, ये जो हमारे हाइजेनबर्ग है वो हमारे जो क्वांटम थ्योरीज थी 1932 में उसके ऊपर उन्होंने काम किया था, उसके लिए मिला था उनको हाइजेनबर्ग को। तो यहाँ पर जनता क्या बोल रही है, सर यहाँ पर होना चाहिए सही जवाब क्या, अभी सब लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए क्या क्या, अरबी अरबी, बिल्कुल सही है, 4 नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जनता बोल रही है सर होना चाहिए 16, ओजोन परत को बचाने के लिए हमारे 16 सितंबर में जो है वो ओजोन परत संरक्षण दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक है। मोन्ट्रियो प्रोटोकॉल इसी दिन आयोजित किया गया था, मोन्ट्रियो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर को बचाने के लिए किया गया था, जो कि हमारे 1978 में बनाया गया था, और 2020 में हमारे जो थीम था 16 सितंबर को ओजोन डे का वो था हमारा ओजोन ही जीवन है, ओजोन इज लाइफ, क्योंकि अगर वो हट गई तो यूवी रेज आएंगी और हम सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द डायनामाइट, डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्बर्ट नोबेल, थॉमस अल्वा एडिसन, दैट वॉज द रुडोल्फ डीजल, या बेंजामिन फ्रैंकलिन। मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब, इजी क्वेश्चन है भैया, इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे जो स्वीडन के साइंटिस्ट थे 1897 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की, जिनको हम लोग अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जानते हैं, और उन्हीं के नाम पर हमारा ये नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया। गाइस याद रखिएगा डायनामाइट इज द राइट आंसर। डायनामाइट को बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का, और ये स्वीडन के साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में इसको बनाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछने वाला, अभी आपको बताना है हु डिस्कवर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ, हु डिस्कवर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की दोहरी जो हमारी संचरण प्रणाली होती है उसकी को किसने बनाया था, दैट वाज द रोजालिंड फ्रैंकलिन, दैट वाज द
मैरिस विल्किंस या हमारे जेम्स वॉटसन एंड क्रिक फेडरिक मिस्चर। मुझे लगता है कि इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है डीएनए के बारे में, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी खोज जो हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको वॉटसन एंड क्रिक ने किया था 1953 में। इसकी खोज की गई थी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, जैसे कि हमने एक सीढ़ी को घुमा दिया है इस तरीके से, वैसे स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पर हमारे नाइट्रोजीनियस बेस लगे रहते हैं। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, फोक डांस 13 ताली, कौन सा ताली? 13 ताली। खूब ताली बजाई है पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने, अब भाई इसके ताली बजाओ। तो लोक नृत्य 13 ताली जो है वो कौन से राज्य में होता है? बिहार, राजस्थान, मणिपुर या झारखंड? 13 ताली, कौन सा ताली? तो गाइज यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो है वो, हाँ तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पे हमने देखा पूरे पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी थी, जिसको हम लोग राजस्थान के नाम से जानते हैं, दैट वाज द राजस्थान कमर जनजाति इसको करती है। कालबेलिया भी यहाँ का एक फोक डांस है, आपको याद रखना है। बिहार का जो हमारा फोक डांस है यह जाट जाटिन, और यहाँ पर फगुआ फोक डांस होता है अभी इस मौसम में, जाट जाटिन, फगुआ भी होता है ना, फगुआ, तो ये बिहार का है, और ये हमारा था 13 ताली, और कालबेलिया ये राजस्थान का है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है आगे हमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन ऑफ द केरला टूरिज्म हैज बैग्ड द प्रेस्टीजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड इन 2020 फॉर मार्केटिंग। केरल पर्यटन में निम्नलिखित में से किस अभियान ने विपणन के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड 2000 ग्रैंड पैटा ग्रैंड अवार्ड जीता है? दैट वॉज अ ह्यूमन बाय नेचर, अतुल्य भारत, गॉड ऑफ कंट्री, सोल ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया, या वन स्टैंड माई मैनी वर्ड्स, वन स्टेट मैनी वर्ड्स, किसके लिए? फॉर द टूरिज्म, टूरिज्म यहाँ पर लोग जो घूमने आते हैं उसको, केरल को जो अवार्ड दिया वो किसने दिया है? तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब होगा, ह्यूमन बाई नेचर इज द राइट आंसर, इस कैंपेन के तहत अवार्ड दिया गया। चलिए अभी आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बहुत जरूरी होते हैं, क्वेश्चन पूछता है या तो इनका केमिकल नेम पूछ लेगा, ठीक है, या तो इनका जो है वो डिजीजेस के नाम पूछ लेगा, कौन सी डिजीज होती है, या तो इनसे रिलेटेड सोर्सेस के नाम पूछ लेगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर ये तीनों अगर आपको याद हैं तो आप प्लीज अपने लिए वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने लाइक कर दिया है वो थम्सअप का निशान बना करके भेज देंगे। अगर सभी विटामिन के केमिकल नेम, उनकी कौन सी डिजीज होती है, उनके सोर्सेस कौन से हैं, कौन सा मेटल किसमें पाया जाता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, बताइए। बल्लू बलराम का है कि बाय बोल लो, पढ़ो बैठ करके, कहाँ जाके खेत काटने जाना है क्या? तो भैया अगर हम लोग देखेंगे जो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं कीड़ा, कीड़ा जो होता है ये फैट सॉल्युबल होता है, मतलब हमारे वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, और हमारे बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी के जो बहुत सारे रूप होते हैं उसको बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे विटामिन सी की तरफ जाएंगे, और ये हमारे जितने भी होते हैं ये लीवर में ये हमारे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जितने भी हमारे कैसे होंगे, जितने भी हमारे बोल सकते हैं कि फैट सॉल्युबल होंगे वो लीवर में आपको स्टोर दिखाई देंगे। तो गाइस यहाँ पर जो सही जवाब था दैट वाज द विटामिन सी, 3 नंबर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको बताना है इंडिया हैज टारगेट टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ 33% टू 35% इन ईयर कंपेयर टू 2005 टू विच ईयर, मतलब यहाँ पर जो कार्बन एमिशन हो रहा है, निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे दिन प्रतिदिन जो है वो गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कौन से साल तक, ये COP21 समिट में उन्होंने बताया। तो गाइस 2024, 2026, 28, 30 या 32, तो हम इसको डायरेक्ट बता देते हैं, 2030 तक ये योजना बनाई गई है कि जो हम एनर्जी एमिशन कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उसको घटा करके कितना करना है, हाँ 33, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है, ऊर्जा मंत्री कौन है? मिस्टर आर के सिंह, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है द अर्टियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हर्ट सिक्रीट द वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हार्मोन? गाइज क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, हार्मोन पढ़ा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का, हमने एड्रिनल ग्लैंड का, हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड का, थाइमस ग्लैंड का, लेकिन एग्जाम में आया क्या हर्ट भी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है? गाइस बिल्कुल, हर्ट के हमारे जो अर्टियल वॉल्स होती है वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं,
ठीक है, पेप्टाइड जो हार्मोन है उसका जो पेप्टाइड जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसका नाम बताना है। दैट वाज अ एएनएफ जीआईपी सीसीके या एडीएच। गाइज यहां पर जो सही जवाब है, हाँ एडीएच के लोग बोल रहे हैं सर एएनएच होना चाहिए। गाइज यहां पर सही जवाब है हमारा ए एन एफ, जिसका नाम होता है एट्रियल न्यूट्रिक फैक्टर। तो यहां पर ए एन एफ के तरफ हमको टिक करना है जो यहां से निकलता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए एन एफ। ठीक है, तो अर्ट्रियल न्यूट्रियल फैक्टर, अर्ट्रियल यहां से लेंगे, न्यूट्रिक फैक्टर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एएमयू बिटवीन साइंड बिटवीन द एन ए बी द सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड एंड द विच ऑफ फॉलोइंग बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल फाइनेंस टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे SHG का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है नैब ने किसके साथ मिलकर के किस बैंक के साथ जो है वो ट्रिटी के ऊपर साइन किया। दैट वॉज द एक्सिस बैंक, PNB, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक या HDFC। तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा दैट वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, बिकॉज यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है। दैट वाज ओनली और योर हार्ड वर्किंग और जो भी आपने किया हुआ है, दैट वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपको बताना है द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस इंसेंटिव वर्थ हाउ मेनी रुपीज टू फर्दर ड्राइव अडॉप्टेशन ऑफ सच कैशलेस मोड ऑफ पेमेंट। निर्मला सीतारमण जो है वो चाहती है कि हिंदुस्तान में सभी लोग जो है वो कैशलेस जो है वो इस जो तरीके उसकी तरफ जाए, पेटीएम, ठीक है, पेजैप, अलग अलग तरीके के क्या कार्ड का प्रयोग करें, कैश का प्रयोग ना करें, और इसके लिए उन्होंने कितनी राशि पास कर दी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बताइए भैया, ये भी हमारी करंट का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या होना चाहिए सही जवाब। तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब है दैट वॉज द, हाँ बहुत ज्यादा रकम है, दैट वॉज द 1500 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर सही किया है, यहाँ पर 1500 करोड़ सही जवाब है। चलिए अभी आते हैं यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन है, दैट वॉज अ व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय द इंसुलिन। इंसुलिन जो है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। दैट वॉज द स्कलेंडरमा, दैट वॉज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दैट वॉज द रूमेटाइड अर्थराइटिस या डायबिटीज मेलिटस। गाइस क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो हमारे इंटरनल पार्ट में पेंक्रियास पाया जाता है, पेंक्रियास को हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, पेंक्रियास बोल दो या इसी को बोल दो अग्नाशय हिंदी में। अब इसके अंदर जो है वो लैंगर हैम्स के आइसलेट पाए जाते हैं, लैंगर हैम्स के आइसलेट पाए जाते हैं जो कि अल्फा बीटा और थीटा, अल्फा बीटा और डेल्टा में डिवाइडेड होते हैं। दैट वाज अल्फा बीटा एंड डेल्टा में डिवाइडेड होते हैं और इसके जो बीटा सेल्स होती हैं वहां से इंसुलिन निकलता है, ठीक है, जो कि जिंक की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो इंसुलिन है ये हमारे बॉडी में जो एक्सेस शुगर होती है उसको क्या कर लेता है, उस एक्सेस शुगर को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लेकिन ये कम निकलेगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डायबिटीज की तरफ जाएंगे और उस डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, इज राइट आंसर, बीटा सेल से निकल रहा है गाइस, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल इन विच सिटी इज ऑल सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट लार्जेस्ट एयर कंडीशनर्ड रेलवे कॉन्कोर्स विच विल गिव पैसेंजर एंड एयरपोर्ट काइंड एक्सपीरियंस। हमारे जो एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल किस शहर या देश में पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेलवे परिक्षेत्र है जो हवाई अड्डे जैसा मजा देने वाला है। दैट वाज द रेलवे विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टनल कहां पर है, पुणे में, चेन्नई में, बंगलुरु में, पटना में या कोची में, क्या होना चाहिए। यहाँ पर जनता बोले सर पुणे होना चाहिए, कल हम बंगलुरु की तरफ जा रहे हैं, बंगलुरु बंगलुरु बंगलुरु। तो गाइस यहाँ पे सही जवाब है बंगलुरु। करंट अफेयर्स हमको अगर हम सेंट्रिक रहेंगे तो कई सारे क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। फरवरी 2020 में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने हमारे बोल सकते हैं, हाँ, पृथ्वी अवलोकन ईओ आधारित सूचना का उपयोग करके बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस राज्य के साथ जो है वो हाथ मिलाया। तो गाइस बाढ़ कहाँ पर सबसे ज्यादा आती है,
अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब स्पेस से ही पता लगाया जाएगा कि भैया यहाँ की नदी में जो पानी बहुत ज्यादा हो गया है और यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है, तो वहां के जो गांव है उनको खाली करा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर होना क्या चाहिए, क्या सही जवाब लग रहा है, किसने जो है यहाँ पर फरवरी 2021 में किस राज्य के साथ हमारी यूके की स्पेस एजेंसी प्रोग्राम ने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग यूजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया। तो गाइस यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सही जवाब है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बाढ़ आई और बहुत सारे लोग जो है वो उसमें बह गए थे, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, तो इसलिए यहाँ पर ये किया गया था और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो भैया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। वैसे बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है इसलिए जनता को ज्यादातर बिहार लगा। चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं मार्च 2021 में दिलीप गांधी का निधन हुआ। दिलीप गांधी वॉज डाई, वह इनमें से किस क्षेत्र में से, दैट वॉज पॉलिटिक्स, एक्टिंग, मेडिसिन, जर्नलिज्म या क्रिकेट, किसमें थे दिलीप गांधी, बताइए गाइस क्या होना चाहिए। तो गाइस अगर हम यहाँ पे सही जवाब की बात करेंगे तो वो एक पॉलिटिशियन थे दिलीप गांधी, जिनका अभी हाल में निधन हुआ। आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस माह, नरेंद्र मोदी ने सितंबर में से निम्न में से किस माह के रूप में मनाया जाता है, सितंबर को हम किसके रूप में मनाएंगे, दैट वॉज द हेल्थ मंथ, लॉ मंथ, न्यूट्रिएंट्स मंथ या कैंसर अवेयरनेस मंथ, एग्रीकल्चर मंथ, किस नाम से हम लोग सितंबर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। गाइस जल्दी बताओ सितंबर को किस नाम से सेलिब्रेट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भैया कहेंगे तो करना पड़ेगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो बोलो भैया थाली बजा देंगे, है ना, ताली बजा देंगे, तो यहाँ पर सही जवाब है रैली में जाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है न्यूट्रिएंट्स मंथ के नाम से मनाएंगे, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, खाइए और स्वस्थ रहिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए। आगे चलते हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च एन इंटीग्रेटेड कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव टाइटल छप मत बैठाओ, क्या है ये भाई, चुप मत बैठो, दैट वॉज द चुप मत बैठो जो है वो किसने शुरू किया है, किसने ये हमारे जो है वो इंटीग्रेटेड कंज्यूमर कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया है। तो गाइस यहां पर जो सही जवाब है चुप मत बैठो, गाइस यहां पर जो सही जवाब है दैट वाज द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। चुप नहीं बैठना है, अगर कोई आपको दिख रहा है कि भ्रामक है, कोई आपको लग रहा है कि उत्तेजित या लड़ाई झगड़े कराने वाले, दंगे कराने वाले कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, अभी आपको बताना है इंडिया हैज डिस्कवर्ड इट्स फर्स्ट लिथियम रिजर्व इन द इग्नियस रॉक लोकेटेड इन द मारलंगप्पा अल्लापाटम रीजन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटक के किस क्षेत्र में आग्नेय चट्टानों का लिथियम भंडार की खोज की गई है, दैट वॉज द बालाकोट, यादसीर, धारवाड़ या मंड्या, रायचूर, जहां पर क्या होना है लिथियम का भंडार मिलने वाला है, और ये जो जिला है ये हमारा मारलप्पा अल्पटना चट्टान के क्षेत्रों में पाया जाता है, दैट वॉज द राइट आंसर इज मांड्या, मांड्या इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया मार्च 2021 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान की शुरुआत की थी। इन मार्च 2020 यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल ड्राइव इन दस्तक अभियान इन विच सिटी, दैट वॉज बनारसी, कानपुर, आगरा, बरेली या लखनऊ। तो गाइस यहाँ पर अगर लोग देखेंगे तो दस्तक की शुरुआत जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी डिजीज हो जो कि संचार होती है दूसरों के द्वारा, उसकी शुरुआत की गई है बनारस से, भैया लाइमलाइट में शहर रहते हैं यही सारे, कानपुर, आगरा, बरेली, लखनऊ, लखनऊ तो फिर भी रहता है, ये सारे तो भैया बड़े लोग यहाँ पे नहीं है तो यह लाइमलाइट में नहीं, तो बनारस इज द राइट आंसर। एनपीके क्या है, एनपीके दैट वॉज द सैनिटाइजर यूज टू क्लीन द डस्टी लीव्स, फर्टिलाइजर यूज टू यूज फॉर द इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी, ब्रांड टू स्प्रिंकल फॉर द इरीगेशन या मेडिसिन यूज फॉर द पेस्ट, एनपीके क्या है, दैट वॉज क्या होना चाहिए एनपीके।
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एनपीके क्या है, तो एनपीके है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, याद कर लो पहले तो इनको। अब ये क्या काम करेगा, तो भैया ये फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, सैनिटाइजर नहीं है, तो यहाँ पे सही जाएगा ऑप्शन नंबर टू, फर्टिलाइजर है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अभी हम लोग देखेंगे न्यू दिल्ली लोटस टेम्पल वॉज डिजाइन बाय द विच आर्किटेक्ट, नई दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है, कमल मंदिर है, इसके वास्तुकार का नाम किसने ये डिजाइन किया, दैट वॉज यूएई, दैट वॉज जापान, ईरान या जर्मनी, कहां से आए थे लोटस टेम्पल सबसे पहले, तो दिल्ली में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है ना, इसका जो है डिजाइनर कौन से देश के थे, तो गाइस अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये सही जवाब होना चाहिए, दैट वाज ईरान, देखिए टेंपल है बट इसको ईरान के आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ है, तो ये मंदिर नहीं है, ये हिंदू बौद्ध और इस्लाम और जैन इनका मिला जुला है, यहाँ पर जर्मन इज द राइट आंसर, तो जर्मन इज द राइट आंसर, फुर्दिबर सभा एक थी वहां के आर्किटेक्ट यहां पर आए थे, पूरी बुर्ज हमारी जो सोसाइटी है वहां के आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था यहाँ के लोटस टेम्पल को बनाने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन एमपी, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क हमको एमपी में देखने मिलेगा, दैट इज वन बिहार नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या पेरियर नेशनल पार्क। गाइस सभी के सभी नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जल्दी बताओ भाई इनमें से कौन सा नेशनल पार्क एमपी में है, वन बिहार, कांजीरंगा, गिर नेशनल पार्क या हमारा पेरियर नेशनल पार्क। तो चलिए यहां पर अगर हम देखते हैं कांजीरंगा, सर हमने आपको बताया था आसाम में, आसाम में, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गुजरात में, सभी को पता होना चाहिए, पेरियर नेशनल पार्क पेरियर नदी के किनारे केरला में आपको देखने को मिलेंगे, और अगर यहां पर देखेंगे तो बना वन बिहार नेशनल पार्क, आसाम में तो कांजीरंगा था, गिर गुजरात में था, पेरियर नेशनल पार्क केरला में, सही जवाब क्या हो जाएगा, वन बिहार नेशनल पार्क इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, आपके पास वापस से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2021 में सफल 5T मंत्र मिशन कहां पर शुरू किया गया, 5T मंत्र वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्या होना चाहिए गाइस यहां पे सही जवाब। यहां पर जनता बता रही है सर ये जो 5T मंत्र है इसको हमारे जो शुरू किया है किसने शुरू किया है, दैट वाज स्टार्टेड बाय द हाँ उड़ीसा के हमारे सीएम साहब, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिलास में आपको बताऊंगा, इसको शुरू किया है हमारे उड़ीसा के सीएम साहब जिनका नाम नवीन पटनायक है, दैट वाज द नंबर टू, उड़ीसा इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, आप सभी लोगों ने बताया था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार का जो मिला हुआ है वो अक्षय कुमार को मिला हुआ है फॉर लक्ष्मी बम, और उनके साथ दीपिका पादुकोण को मिला हुआ है फॉर द छपाक मूवी, ठीक है, छपाक के लिए मिला हुआ है यहाँ पर दीपिका को, ये हमारा दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, दादा साहब फाल्के इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फिल्म्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सियाजुद्दौला और शाह आलम साइन अ ट्रीटी एट अलाहाबाद विद द रॉबर्ट क्लाइव, सियाजुद्दौला नॉट सिराजुद्दौला, सियाजुद्दौला ने ये कब की गई थी, 1764 1767 1766 या 1765, भैया बक्सर का युद्ध के बाद ये ट्रिटी के ऊपर साइन किया गया था, और हम सभी लोगों ने देखा था इसमें जो हमारे अवध के नवाब हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, ठीक है, 53 लाख का जुर्माना उनको देना था, ठीक है, और ये हमारा फरवरी 1965 को हुआ था। तो भाई पिछले साल हमारा जो SSC CHSL का एग्जाम था उसमें बक्सर का युद्ध पूछा था, 1764 में हुआ, प्लासी का लड़ाई आप सभी को याद रखना है, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, और उसके बाद ये ट्रिटी हुई थी हमारी फरवरी 1765 में। तो गाइस ये देखिए हम सभी को ये याद होना चाहिए, और इसके लिए सियाजुद्दौला जो थे है ना उनके ऊपर लगाया गया था क्या, बिल्कुल सही, उनके ऊपर लगाया गया था 53 लाख का जुर्माना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्स विथ विच अर्थ पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, मुझे लगता है कि इजी क्वेश्चन है, सब कुछ खींच रही है अर्थ अपनी तरफ, दैट वाज द एयर फोर्स, थ्रस्ट, ग्रेविटी या रेजिस्टेंस, तो हमें सबको पता है भैया गुरुत्वाकर्षण वो बल होता है इससे कोई भी प्लैनेट अपनी तरफ चीजों को आकर्षित करता है, और अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रमा से 6 गुना ज्यादा है, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून का 6 गुना ज्यादा है, तो आप तो अगर पूछा जाएगा तो आप
अर्थ को 6/6 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज इन मिजोरम। तो गाइस यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप लोग एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। पेच नेशनल पार्क, दंपा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व या सतकोसिया टाइगर रिजर्व, क्या होना चाहिए गाइस जल्दी से बताइए। मजा नहीं आ रहा गाइस, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो दोस्तों के साथ। भाई देखो मैं इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इतनी सारी चीजें करा रहा हूं कि तुमको एग्जाम में हूबहू सारी की सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। चलिए गाइज यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सही जवाब है पेच। अगर मैं पूछता तो आप लोग बोलते सर ये एमपी में। अगर मैं यहां पर पूछता आपसे क्या, तो अगर मैं पूछता आपसे सतकोसिया तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में ना, उड़ीसा में। अगर हम लोग कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा कहां पर है, तो ये भी हमारा एमपी में। अब बचा कौन सा, तो डंपा बचा, और डंपा कहां पर होगा, तो डंपा होगा चंपा में, मतलब डंपा होगा मिजोरम में। गाइज एमपी में है पेच, एमपी में है कान्हा, सतकोसिया है उड़ीसा में, तो कान आपका बचा कौन सा, डंपा। सही है ना डंपा, हाँ बिल्कुल सही है निशान। ऐसे पढ़ना है भाई इस सारे क्वेश्चन, देखो यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, फिर से आपका आ जाता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिवाइज्ड इट्स ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आउटलुक टू स्टेबल द फाइनेंशियल ईयर 2020 फॉर निगेटिव इन 2020। तो भाई इसमें से किसने जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बुलाया कि हम 2020 से 2022 में निगेटिव तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर है क्रिसिल, ठीक है इकरा, ठीक है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ब्रिक्स है या केयर। तो गाइस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बोला है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे निगेटिव की तरफ जा रहा है। आगे चलते अभी आपको बताना है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन फ्रॉम द 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। हमारे सभी जीवों में कार्बन के 6 अणुओं का 3 कार्बन में टूटना, 6 कार्बन के अणुओं का C6H12O6, ठीक है, इसका हमारा 3 कार्बन के अणुओं में जो टूटने की घटना होती है इसको आप क्या बोलेंगे, बताइए गाइस क्या होना चाहिए। यहां पर अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन में होता है पारुवेट, दैट वाज अ इथेन, मेथेन या ब्यूटेन। तो गाइस यहां पर होता क्या है सही जवाब, तो यहां पर जनता ने बोल दिया सर एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो गाइस एथेन का मतलब क्या होता है, तो मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, एक का मतलब होता है दो, ठीक है, यहां पर एक कार्बन होगा। ब्यूट का मतलब होता है हमारा 4 कार्बन, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, सही जवाब होगा एक, पायरेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 कार्बन में टूटा। अभी आपने सरकरिया कमीशन, गाइस ये हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन के लिए था, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन बताता है ये सरकरिया कमीशन, ठीक है। ये कौन से साल में आया था, 1985, 1984, 1988 और 1986, बताइए गाइस। सरकरिया कमीशन की बात कर रहे हैं गाइस, ये कौन से साल में अपनी रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट सबमिट किया था पूछा है यहाँ पे, ना कि आया था। सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन बताता है, और ये भी बताया इसने कि हमारे देश में गवर्नर की जो पोस्ट है वो होनी ही नहीं चाहिए, गवर्नर की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जो सही जवाब है, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में, जो कि काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है, लेकिन ये आया था गाइस 1983 में। 1983 में सरकरिया कमीशन को बनाया गया और इसने 5 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दी, सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन बताया कि भैया गवर्नर जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। तो गाइस ये था खतरनाक टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द लेटेस्ट अरब कंट्री टू एग्री द नॉर्मलाइज रिलेशन विद इजराइल इन अ डील ब्रोकर विद हेल्प ऑफ यूएसए। इनमें से हमारे सहयोग में दलाली इजराइल के साथ सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला नवीनतम अरब देश कौन सा बन गया है, तो जिसने हमारे इजराइल के साथ जो है वो अपना संबंध अच्छा किया। तो गाइस यहाँ पे सही जवाब है मोरक्को, इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैगिलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसको हम लोग कसाविका की जैसी, कसाविका की बात कर रहे हैं। फैलेगिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट एज ए ऑर्गनिल ऑफ लोकोमोशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मूव करने के लिए, मतलब चलने के लिए
उनके पास फैगेलिया होता है, हम लोगों के पास पैर हैं, किसी के पास जो है पंख होते हैं, वैसे ही इनमें से किसके पास फैगेलिया जो कि हेयर की तरीके स्ट्रक्चर होता है जिससे ये मूव करते हैं, दैट वॉज द वायरस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या अमीबा। जरा सोच करके अच्छे से जवाब देना भैया। देखो जो डर गया सो घर गया, मैं पहले बता रहा हूं क्वेश्चन में आप हाई लेवल के लेकर के आए हूं, खतरनाक वाले टाइप के। तो जनता बोल रही है सर अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो हमारे जो फैगेलियाज होते हैं जो मूव कराते हैं वो है हमारे कौन से, वो होते हैं बैक्टीरिया। जितने लोग बैक्टीरिया बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, याद रखिएगा बैक्टीरिया हमारे लिए जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, आप लोग सभी लोग जानते होंगे ये हमारे लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से हमारे बॉडी में क्या बनता है, ई कोलाई की मदद से विटामिन के बनता है। ये दो चीजें तो हमको याद रखनी है। इसके अलावा बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं जैसे कि टीबी हो गया, हमारा हैजा हो गया, ठीक है, टेटनेस हो गया, ये सभी बीमारियां फैलाते हैं। तो फैगेलिया इनमें ही पाया जाता है जिससे ये मूव करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द लार्जेस्ट एरिया वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, दैट वाज द रातापानी, सलेना, नौरादेही या राला मंडल। तो गाइस एमपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हमारा क्या है फॉरेस्ट रिजर्व है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व कहां पर है, वन्य जो क्षेत्र है वो हमारा कहां पर है, एमपी में। लेकिन यहां पर भी सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो कौन सा है गाइस, तो यहां पर सही जवाब है हमारा नौरादेही इज राइट आंसर, राता पानी नहीं है, दैट वाज द नौरादेही। आगे चलते हैं, अभी आपके पास आता है आर्टिकल, आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। हमारे देश में कौन बोलता है आर्टिकल की हमारे देश में एक स्पीकर भी होना चाहिए और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, अगर इन दोनों को रिजाइन देना है तो ये एक दूसरे को देकर के बात को खत्म कर सकते हैं, ऐसा कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरे को रिजाइन भी दे सकते हैं। चलिए तो गाइस यहां पर जो सही जवाब है, जनता यहां पर बता रही है सर यहां पर जो सही जवाब है होना चाहिए आर्टिकल नंबर 93, हमारे देश में एक लोकसभा में स्पीकर होना चाहिए जो उन्हीं मेंबर्स के द्वारा चुना जाएगा जो लोकसभा में है, और एक डिप्टी स्पीकर होगा, ये लोकसभा का ही मेंबर होंगे, लोकसभा के द्वारा चुने जाएंगे, और ये जो है रिजाइन अगर देना होता है तो एक दूसरे को रिजाइन दे सकते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब जाएगा आर्टिकल नंबर 93 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में, इन मार्च 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज, द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक समिति बनाई, उसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, 6, 8, 10, 12 या 14। तो गाइस यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जनता 10 बोल रही है, जितने लोग 10 बोल रहे हैं वो सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, विच टाइगर रिजर्व इज सीन इन उड़ीसा, दैट वॉज पेंच, डंपा, कान्हा या सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा था, हमने इसी क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ था, आप बताइए क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। चलो छोड़ो क्वेश्चन का जवाब 10 था। तो पेंच की अगर बात करेंगे तो एमपी में, डंपा की बात करेंगे तो मिजोरम में है ना, उसके बाद से अगर हम लोग कान्हा की बात करेंगे तो वापस से एमपी में, सतकोसिया की बात करेंगे तो उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर होना चाहिए 4, जितने लोग बोल रहे हैं 4 वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा एक वर्टब्रेट है, वर्टब्रेट का मतलब जिसके ऊपर हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम डिवाइडेड होता है, राउंड वर्म है, अर्थवर्म है, स्नेक है या हमारा मिलीपीडी है जिसको हम लोग गोजर बोलते हैं। तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे तो राउंड वर्म जो है ये हमारा पेट में पाया जाता है और हमारे खाने को खाता है, ये हमारा हेलमिंथीज फैमिली का है, ये हमारा एनिलिडा फैमिली का है, एनिलिडा फैमिली का है, और अगर हम लोग गोजर की बात करें तो ये ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा फैमिली का है। तो गाइस अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे ये सभी के सभी हेलमिंथीज का है, तो ये सभी के सभी हमारे किसमें आते हैं, नॉन वर्टब्रेट में। लेकिन अगर हम लोग बात करें
सांप की, स्नेक की। तो भैया कई लोग सोच रहे हैं इसमें हमारी नहीं पाई जाती है, तो वो गलत है भाई। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है हमारा स्नेक, जो कि हमारा रेप्टाइल फैमिली में आता है। रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप। तो भैया वर्टेब्रेट जो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो हमारे कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा पिसीस ग्रुप, जिसको हम लोग मत्स्य ग्रुप भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कौन सा हमारा? आता है हमारा एमिपिबियन, जिसको हम लोग उभयचर बोलते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया हमारे, बोल सकते हैं कि सेलेमेंडोर हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा रेप्टाइल, रेप्टाइल में हमारे सरीसृप आते हैं, जिससे हमारा क्रोकोडाइल हो गया, सांप हो गया, ये सभी आते हैं। पांचवें नंबर पे आता है एबीज ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्षी, जैसे कि आपके सभी पक्षी आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा पक्षी हमारा शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। और चौथा नंबर था, पांचवें नंबर पे आते हैं मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनपायी जानवर। सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर हमारा ब्लू व्हेल है, सबसे लंबा हमारा जिराफ है, ठीक है, और धरती पे सबसे बड़ा हाथी है। तुम खुद एक क्या हो? मैमल हो। तो ये पांच कैटेगरी के वर्टेब्रेट होते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे सरीसृप में स्नेक आता है, ये आपको याद रखना है अगर आपने नहीं पढ़ाया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे स्नेक सही जवाब। तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ मल्टी ईयर एग्रीमेंट विद द नॉफ अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड द कंस्ट्रक्शन सिस्टम, इन्फोसिस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा या विप्रो, आपका एम्फोसिस। क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब? इनमें से मल्टी ईयर एग्रीमेंट नाउफ के साथ किसने जो है बिल्डिंग मटेरियल के साथ साइन किया हुआ है? गाइज यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा दैट वाज अ माइंडट्री। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए, दैट वाज द एग्रीमेंट। हिंडन आर्मी हैज डीकमिशन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विद द लॉन्ग सर्विसिंग आर्टिलरी सिस्टम फ्रॉम सर्विस इन मार्च 2021। इनमें से भारतीय सेना में मार्च 2021 में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निम्नलिखित में से किस आर्टिलरी सिस्टम को डीकमीशन किया है? That was the 130 mm self propelled M catapults, 160 mm temporal motors SEG, both 1 and 2 या both 1 and 3। Guys यहाँ पे सही हो जाएगा हमारी ये दोनों को, 131 self propelled M catapults और हमारा 160 mm tempera motors, इन दोनों को जो है वो decommissioned कर दिया। आगे चलते हैं, दिसंबर 2020 में which of the following companies has Skylotech announcement a breakthrough is in satellite based NBIO narrow based internet thinking, किसके साथ साइन किया हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, that was a BSNL, जिसने Skylotech के साथ जो है वो ये साइन किया हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अल्फा ग्रुप हैज अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़ फॉर हाउ मेनी परसेंट स्टेक इन एलटी फूड्स। तो गाइज यहाँ पर अल्फा ग्रुप ने जो है वो एलटी फूड्स के साथ 20 करोड़ का निवेश करने की घोषित की है, वो हमारा 1% जो है एलटी फूड्स ने अल्ना ग्रुप के साथ निवेश करने का घोषणा किया है। तो एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, हु वर्चुअली लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2021। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो 22 मार्च मनाया जाता है, और आपको याद रखना है यहाँ पर कैच द रेन मतलब पानी जो रेन का वाटर है उसको इकट्ठा करने की कवायद बताई है, वो रामनाथ कोविंद है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है या जेपी नड्डा है। तो गाइस अगर यहाँ पर देखेंगे सही जवाब क्या है, तो कैच द रेन, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सही जवाब क्या होना चाहिए, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, सही जवाब है नरेंद्र मोदी, इज राइट आंसर, नरेंद्र मोदी नमो, बिल्कुल सही है अनिल। अभी आपको बताना है जी शांतिया एंड शरत कमल किस खेल से संबंधित है? दैट वाज टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन। जी शांतिया एंड शरत कमल, तो गाइस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मिले वहां से, परेशान हो जाओगे अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाया। स्टैटिक जी करंट अफेयर्स आपको विशेष ध्यान से करके जाना पड़ेगा। गाइज अगर हम लोग देखेंगे तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं, टीटी खेलते हैं। तो गाइज ये तो थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे करंट अफेयर्स, और अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर
हमने करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीए, साइंस के क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन आपको कराए। गाइज हम अगर सच्चाई को तरफ जाए तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम करेंट अफेयर्स स्टैटिक जीए का ऐसा कॉकटेल करके जाए कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमको परेशान ना करें। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने अभी तक करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो उसका पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले। अगर आपका एग्जाम 10 से 15 दिन में है तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपका एग्जाम कल परसों है तो आपके जो नोट्स हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि वही आपको एक अलग तरीके के नंबर दिला सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पर खत्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन इस वादे के साथ कि कल भी मैं आपको क्लास कराने वाला हूँ पूरे 3 घंटे की। तो हो सकता है कि ये 3 घंटे की क्लास आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन को सम्मिलित किए हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो हमसे पूछ रहे थे कि सर इस क्लास का पीडीएफ मिल जाता तो बड़ा मजा आता। तो गाइज यहाँ पर आप लिंक में जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हमारे टेलीग्राम लिंक आपको देखने को मिलेगा, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो टेक्स्टबुक एसएससी एंड रेलवे, ठीक है, एसएससी एंड रेलवे। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपको जो है वो हमारा लिंक मिल जाएगा, जिसको आप जाकर के वहां पर जुड़ जाइए, सारी क्लासेस का पीडीएफ और लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। निशान बोले सर 16 को एग्जाम है, तो गाइज 6 महीने के करंट अफेयर्स कर लो अच्छे से और स्टैटिक जीए कर लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है। हो सकता है 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाए, 15 से 20 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं गाइज, याद रखिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे 10 बजे, 10 AM पर शार्प अपना अलार्म सेट कर लीजिए। हो सकता है कि तुम्हारे लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जिनका एग्जाम नहीं है और वो तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, तो भैया सोचो नहीं, शुरू कर दो। एसएससी जीडी कांस्टेबल, जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बोला है कि फरवरी 1 को वो अपने फॉर्म्स, मई 1 को वो अपने फॉर्म्स जो है वो निकाल रहे हैं, जिसको आप भर करके अपनी तैयारी को अलग लेवल पर लेकर के जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास एसएससी सीएचएसएल का क्रैश कोर्स है, जिन्होंने अभी तक तैयारी को अपने अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर ले, और बहुत ही नॉमिनल सी कीमत है। और आप यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो भी वहाँ पर कॉस्टिंग होगी, डिस्काउंट होगा अभी, तो आपको 20% का डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम है PANKAJ पंकज, और कैपिटल में C, जैसे ही आप इसको डालोगे दैट इज अ 20% डिस्काउंट इन ओवरऑल फी ऑफ द कोर्स, और आप इसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका 20% की छूट उठानी है तो PANKAJ माई नेम एंड कैपिटल C, दैट वॉज द चौबे इज माई सर नेम, तो गाइज इसका इस्तेमाल करिए। और कल का टाइम है कितने बजे, तो कल का टाइम है 10 बजे, अलार्म को सेट कर लो अभी से। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइज, एंड टेक केयर। पढ़िए, और पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।